लोक आस्था का महापर्व छठ को हमारे देश में अलग ही महत्व दिया गया है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ना सिर्फ उगते हुए सूर्य बल्कि अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। छठ के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ देकर आराधना की जाती है। बिहार में इस पर्व को काफ़ी विशेष दर्जा दिया गया है। दूर दूर से लोग छठ पर्व को देखने बिहार में आते हैं। एक तरफ जहां अपने घर से दूर रहने वाले लोगों ने छठ पर्व में घर आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ छठ के घाटों की तैयारी भी जोरों पर है। आज लाइव सिटीज आपको लेकर आया है पटना के गंगा घाट पर, जहां छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमने बात की घाटों को जोड़ने वाले कुछ लोगों से, ने बताया कि इस बार काली घाट, कृष्णा घाट, एनआईटी घाट जैसे कई घाटों को जोड़ा गया है, इससे भीड़ बनने की संभावना कम होगी। सारी घाट है, जैसे कृष्णा घाट हो गया, मिश्री घाट हो गया, बनर्जी घाट हो गया, बराबर घाट हो गया, पूरे सारे घाट जोड़े जाते हैं। तो अभी बहुत दिन लगेगा, हाँ अभी टाइम लगेगा, नहीं क्लियर नहीं होगा छठ तक, वो साफ सफाई हो जाएगा। लोगों को एक घाट से दूसरे घाट जाने में आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छठ पर्व का आनंद उठा पाएंगे। लाइव सिटीज से अलका की रिपोर्ट। बिहार से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।